स्क्वाड अनाउंस हो चुका है जो कि टीमों को खा जाता है कच्चा, मतलब जिंदा खा जाता है, मतलब नहीं कि पका के खाता है। खैर भाई, इंडिया और न्यूजीलैंड की सीरीज आ रही है, आप सब लोगों को पता है, उसके लिए इंडिया का स्क्वाड आ गया है। तो स्क्वाड में ज्यादा तो मतलब ज्यादा चेंजेस तो नहीं है, सरप्राइज कोई नहीं है, लेकिन स्क्वाड आपके सामने एक दफा आ रहा होगा जिसमें रोहित शर्मा कैप्टन है, जसप्रीत बुमराह वाइस कैप्टन, ये थोड़ा सा मुझे लगा कि भाई है, क्योंकि ऋषभ पंत का लग रहा था, विराट कोहली, यशस्वी जायसवाल हो गए, शुभमन गिल हो गए, केएल राहुल हो गए, सरफराज खान हो गए, ऋषभ पंत हो गए, धुरव जुनेर हो गए, ये आपके आ गए तीन विकेट कीपर। फिर आपका अश्विन आ गया भाई टेस्ट मैच में, अगर अश्विन ना हो तो फिर मजा ही नहीं है भाई, ठीक है। फिर जडेजा साहब आ गए आपके, अक्षर पटेल आ गए, कुलदीप यादव आ गए, मोहम्मद सिराज आ गए और आकाशदीप आ गए, आकाशदीप भी अब बड़ा स्ट्रांग बनता है। ये ऐसा लग रहा है कि भाई बांग्लादेश का स्क्वाड ही तकरीबन खेल रहा है, ठीक है ना, और ये अच्छा किया उन्होंने, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं, और ये अच्छा किया, एक कन्वर्सेशन भी अच्छी थी आपस में, मतलब एक टीम मैनेजमेंट। आप ये देखो आकाशदीप ने लास्ट में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, तो दोबारा से चांस दिया है, और आप ये देखें कि भाई अब मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई ये स्क्वाड जो है, क्योंकि देखो अब न्यूजीलैंड है आपका, ठीक है ना, अब न्यूजीलैंड और इंडिया का मैच होगा, बहुत सारे लोग बोलेंगे प्रेडिक्शन में कि यार हो सकता है न्यूजीलैंड जीत जाए, हो सकता है ये जीत जाए, लेकिन जहां तक मुझे लगता है ये मैच देखने में हमें बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से ज्यादा मजा आने वाला है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से याद आया है कि जो बुमराह को बनाया गया है ना कैप्टन, तो एक्सपेक्टेड ये लग रहा है कि बुमराह को वहां पे कैप्टन भी बनाया जा सकता है। मेरा ख्याल रोहित शर्मा की वो न्यूज आ रही थी कि मेरा ख्याल वो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के दो टेस्ट शुरू के मिस करेंगे, और ये न्यूजीलैंड की भी आई थी, क्योंकि अभी अनाउंस तो हो गया कैप्टन, लेकिन हो सकता है फर्स्ट मैच जब न्यूजीलैंड का टेस्ट हो तो वो मिस करें और बुमराह ही कैप्टेंसी करे पूरी तरह से। तो भाई देखो, अब तो ये अक्टूबर का महीना, तो मैं आपको कह रहा हूँ ना, ये तो खतरनाक हो गया, अक्टूबर का महीना हमारे लिए खतरनाक हो गया ना, जो बंदे हैं ना, ये जो बंदे हैं, ये स्क्वाड नहीं है, ये मॉन्स्टर्स हैं, चलते फिरते ये ज़ॉम्बीज हैं, ये खाते हैं टीमों को, ये बोलते हैं हमारे सामने कोई नहीं आना, हमारे सामने तुम लोग आओगे वो भी हमारे होम ग्राउंड के अंदर, हम छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। वो मेरे भाई, तुम विलियमसन हो या तुम संतू हसन हो, भाई तुम बांग्लादेश हो, कोई भी हो, हम तुम्हें खा जाएंगे। इंग्लैंड के साथ भी बहुत बुरी वाली की थी इन्होंने लास्ट टेस्ट में, हम फॉर्म में लिया, हम फॉर्म में लिया बेटा, जिसको तुम लोग हराओगे हम फॉर्म में लाएंगे, जिसको तुम लोग नीचे करोगे हम ऊपर उठा देंगे वापसी, ठीक है। देख लो WTC में इंग्लैंड को हमने कहां पहुंचा दिया बेटा, ये पाकिस्तान कर सकता है और किसी के अंदर गट्स नहीं है इतने। खैर, अब मैं आपको बताऊं कि भाई ये मेरा ख्याल तीन टेस्ट मैच खेलने, ठीक है ना, न्यूजीलैंड को और इंडिया से, और अब बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि भाई अब इंडिया का असली टेस्ट होगा और अब पता लगेगा इंडिया टेस्ट मैच में क्या चीज है, और ये है ना कुछ। और मेरे भाई देखो, बात ये है कि आपका, आप सब लोग बोल रहे हैं बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, लेकिन मैं आपको एक अपनी प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, जितना मजा हमें इस सीरीज को देखने में, जितनी मेमोरीज हमें इस सीरीज से क्रिकेट की मिलेंगी, मेरा नहीं ख्याल की उतनी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से मिलेंगी। क्योंकि न्यूजीलैंड टेस्ट मैच में जब उतरता है और इंडिया जब उतरता है टेस्ट मैच में, दोनों का माइंडसेट है स्ट्रांग। देखो बांग्लादेश को मैं कोई छोटी टीम नहीं बोल रहा, अभी टेस्ट मैच में वो इतनी ऊपर नहीं है, ठीक है ना, लेकिन आप ये देखो कि जब न्यूजीलैंड इंडिया उतरेंगे तो भाई मजा ही आ जाएगा। और इस स्क्वाड की बात की जाए ना, तो अब आप देखो कि भाई यहाँ पर गिल है, यहाँ पर राहुल है, यहाँ पे जायसवाल है, यहाँ पे विराट है, पुराने बंदों की बात ही नहीं कर रहा यार, इनके बच्चे पूरा कर लेते हैं, तुम क्या पुराने विराट कोहली हो, तुम पुराने चावल को ला रही हो निकाल के, वो तो चलेंगे चलेंगे ना भाई अच्छे वक्त पे, यहाँ पे तो इनके बच्चे 150 मार लेंगे, 100 मार लेंगे, अबे भाई बच्चे में अभी क्या, अश्विन 100 मार लेगा यार, बिल्कुल तुम छोटी बात कर, अश्विन एंड वाले बंदे, छोटी बात कर दी तुम, पता नहीं क्या, और विराट वगैरह थोड़ी सलमान अली आगे आए और वो कुछ भी नहीं करके, तुम ला रही हो यहाँ पे, अश्विन हल्के में नहीं आ रहा है, अश्विन बोलता है मैं विकेट भी लूंगा, मैं 100 भी मारूंगा, जडेजा बोलता है मैं भी 100 मारूंगा, आकाशदीप को विराट कोहली का बल्ला मिल गया, फिर वो भी मार देता है भाई छक्के। और मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि देखो विलियम वहाँ पे जो टीम है, अब देखना होगा कि भाई विलियमसन खेलता है वहाँ के स्क्वाड में, हाँ, एक्सपेक्टेड ये है कि वो भी उनका भी स्क्वाड, उनका भी स्क्वाड अनाउंस तो हुआ है, लेकिन अब सब लोग बोल रहे हैं विलियमसन वो मिस करेगा और ये होगा और वो होगा, बॉलर्स में ये होगा, लेकिन देखो ये चीजें होती रहती हैं। टेस्ट मैच एक ऐसा फॉर्मेट है, अभी पाकिस्तान इंग्लैंड का वो चल रहा है, ठीक है ना, सीरीज चल रही है, उसमें स्टोक्स नहीं खेला पहले टेस्ट, ठीक है, शुक्र ही नहीं खेला, ठीक है ना, सेकंड टेस्ट में पता नहीं क्या से क्या कर देगा भाई, ठीक है, वो रूट के कपड़े सूख रहे थे, हो सकता है हम सबके कपड़े सूख रहे हो वहाँ पे, अगर स्टोक्स आ गया तो मसले मसाले हो सकते हैं जिंदगी में। खैर, अब यहाँ पर अगर टूटा पॉइंट बात की जाए ना, तो यहाँ पर कोई प्रेडिक्शन तो मैं यहाँ पे करूंगा नहीं, यहाँ पे कोई ऐसी चीज तो मैं करूंगा नहीं, क्योंकि भाई साफ सीधी सी बात है, अगर कोई मुझे आके ये बोलेगा यहाँ पे कि भाई इंडिया ये सीरीज जीत रहेगी, मैं उसकी बात नहीं मानूंगा। अब आप बोलो क्यों, भाई देखो 50-50 है ये, मैं मानता हूँ इंडिया की अभी टॉप की परफॉर्मेंस चल रही है टेस्ट मैच में, उनके बड़ी बात बोल रहा है भाई, मैं बड़ी बात नहीं बोल रहा, लेकिन देखो न्यूजीलैंड को इंडिया टीम हल्का नहीं ले सकती है, ठीक है ना, अब गौतम गंभीर का एरा पता लगेगा, मतलब यानी तुम कह रहे हो जैसे अभी बुमराह आता था और आते ही दो तीन विकेट तो बस ले ही जाता था, वो अब नहीं होगा, हो सकता है वापसी हो सकता है 6 विकेट ले ले, मैं ये नहीं बोल रहा कि इंडिया हरा नहीं सकती न्यूजीलैंड को, मैं कह रहा हूँ कि अब इंडिया के पास टफ कॉम्पिटिशन आया है, क्योंकि देखो जैसे क्यों, क्योंकि देखो मैं अभी 50-50 समझ, देखो इंग्लैंड का क्या हाल किया था इंडिया ने, पहला टेस्ट मैच इंग्लैंड जीता, उसके बाद क्या हाल किया था इंग्लैंड ने, बैक टू बैक 4 जीत गए भारत वाले,
तो हो सकता है ऐसा हो कि भाई पहला भारत हारी है न्यूजीलैंड से और फिर बाकी जीत जाए, दोनों सीरीज भी जीत जाए। तो मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि इस टेस्ट मैच में आप मतलब नॉन ये नहीं कर सकते कि आप व्हाइट वॉश तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन भाई वो जो बंदा बैठा हुआ होता है ना, वो जो कुर्सी के ऊपर बैठाया हुआ होता है इंडिया वालों ने, गौतम गंभीर, उस बंदे के दिमाग से कोई मैच नहीं कर सकता। वो बंदा क्या क्या सोच रहा है, वो बंदा कब क्या सोच रहा है, उसका कोई भरोसा नहीं है भाई, वो कुछ भी कर सकता है। खैर अभी सीन ये है कि भाई 16 तारीख को सीरीज स्टार्ट हो रही है, 16 तारीख तक देखते हैं भाई क्या सीन होता है, मजा आएगा इस सीरीज में देखने में। पर्सनली मैं बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से ये सीरीज देखने में एक्साइटेड हूँ।